नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उत्तराखंड विजन। आज हम जा रहे हैं नैनीताल और रास्ते में ना पड़ने वाले हर पड़ाव का हम कवर करेंगे। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है। और चलो देखते हैं इस पूरे रूट का प्लान। अगर आप बस से जाना पसंद करते हैं तो सबसे पहले पास जाते हैं हम हल्द्वानी बस स्टेशन। अगर आपको टैक्सी जाना है तो लालकुआ से भी आपको टैक्सी अवेलेबल हो जाएगी और आप अपनी पर्सनल गाड़ी से तो कहीं से भी आ जा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम हल्द्वानी से निकल के ना कुमाऊं के प्रवेश द्वार काठगोदाम पहुंचने ही वाले हैं और थोड़ी देर में आने वाला है काठगोदाम। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आने वाला है काठगोदाम रेलवे स्टेशन और आ ही गया है बल्कि काठगोदाम रेलवे स्टेशन। काठगोदाम पहुंचते ही हमें पहला राइट टर्न मिलता है जो हेड़ाखान बाबा मंदिर के लिए और सितारगंज टनकपुर चंपावत तक पहुंच जा देता है। अगर हमें नैनीताल और भीमताल जाना है तो हमें यू टर्न नहीं लेना है। और जैसे ही हम काठगोदाम पार करते हैं हमें मिल जाती पहली पुल। और यहाँ पर ना ये अंग्रेजों के जमाने की पुल है जिससे हम जा रहे हैं और उसके बगल में BRO ने बना दी थी और पुल जिससे जाम की समस्या थोड़ा सा कम हो चुकी है। अभी तक जो आप एरिया देख रहे हैं ये लगभग काठगोदाम में आता है। थोड़ा आगे आगे चल के ये एरिया लग जाता है हमारा प्रतापगढ़ी का और यहाँ से शुरू हो चुका है हमारे भीमताल ब्लॉक का एरिया प्रतापगढ़ी। कुछ ही दूर आगे चलते चलते हमें मिल जाता है एक लेफ्ट साइड में श्री बजरंग बली का भव्य मंदिर। पहला ही मोड़ टर्न होने के बाद हमें दर्शन हो जाते हैं गौला माता के। और ये जो रानी बाग से बह के आ रही है गौला माता, ये गौला बैराज में समाहित हो जाती है। और कुछ ही दूर चलने के बाद ना राइट साइड में हमें मिल जाता है नैनीताल और भीमताल जाने वाले रास्ते का एक लास्ट पेट्रोल पंप हो और लेफ्ट साइड में मिल जाता है माता शीतला देवी जी का मंदिर। नैनीताल रोड में एक जूली कोट पे पेट्रोल पंप तो मिल जाएगा लेकिन भीमताल रोड में बिल्कुल नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आगे ही चले थे, यहाँ पर मिल गया है चित्रशिला घाट। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद ही ना हमें यहाँ पर एक मिल जाता है बोर्ड जिसमें नैनीताल 32, रानीखेत 82 और भीमताल जो है यहाँ से 17 किलोमीटर आगे। और ये आगे जाने के बाद राइट साइड को जब अगर हम जाते हैं तो राइट साइड वाली जो रोड देख रहे हैं आप, ये जाती है भीमताल को और लेफ्ट साइड वाली जो जा रही है ये जा रही है नैनीताल को। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं दो गांव पे। बाकी देखिए पहाड़ों की सुंदरता देखते ही बनती है। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं दो गांव का बोर्ड लगा और चारों तरफ से इतने सुंदर सुंदर हरे भरे पहाड़ हो रहे हैं ना। और मैदानों में ना इस समय पूरी एक बार गर्मी चरम पे आ चुकी है लेकिन पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड है इस समय। बढ़िया ऐसा कूल कूल एहसास हो रहा है। अब चलते हैं आगे को और दिखाएंगे आपको आगे का सीन। दो गांव से आगे कम से कम 5 किलोमीटर आगे निकलने के बाद ना हमें मिल जाती है यहाँ पर जोली कोट की पुलिस चौकी। तो मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और नैनीताल में हम प्रवेश कर चुके हैं। और यहां से शुरू हो जाती है देखो रोड, एक साइड में पार्किंग और धर्मशाला और ये सामने एक कॉलेज भी है। और अब नैनीताल यहां पर से मात्र 1 किलोमीटर से भी कम दूरी में लग जाता है। और ये जो भी एरिया देख रहे हैं आप, ये सभी नैनीताल का और सामने है धर्मशाला।
सो गाइज फाइनली हम पहुंचने वाले हैं नैनीताल। अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर, अगली वीडियो आने वाली है नैनीताल लेक और उसमें वीडियो ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए आप नैनीताल लेक देखना तो बिल्कुल भी ना भूलना यार। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो रही थी इसलिए हमने इसको शॉर्ट करने के लिए यहीं पे समाप्त कर